वीरेंद्र, आपके जमाने में स्लेजिंग होती थी? आपको लगता है मैं स्लेजिंग कर सकता हूँ? नहीं, मगर कभी तो कुछ हुआ होगा। आई रिमेम्बर वंस समबडी वाज सेइंग समथिंग, यू वर बैटिंग विद सचिन। हम लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे, शोएब अख्तर बोल डाल रहा था, तो मुझे देख के इतना बोर हो चुका था कि मैं करीब करीब 200 पे खेल रहा था और वो थक चुका था मुझे देख देख के। तो उसने सोचा शायद मैं इसको गालियां वाले दूं और ये आउट हो जाए, तो राउंड द विकेट आके उसने बाउंस रे मारनी स्टार्ट की। और शोएब अख्तर ने, शोएब अख्तर एक ही अख्तर है, एक ही अख्तर है, तो उसने बाउंस रे मारनी स्टार्ट की और हर बॉल के बाद बोले हुक मार के दिखा, हुक मार के दिखा। तो एक ओवर के बाद जब मुझे रिलाइज हुआ कि इसने यही बॉलिंग डालनी है, तो मैंने बोला वो तेरा बाप खड़ा है नॉन स्ट्राइक एंड पे, उसको बोल वो मार के दिखाएगा। नॉन स्ट्राइक एंड पे तेंदुलकर था। नेक्स्ट ओवर में जब उसने तेंदुलकर को बाउंस रन मारा तो उसने छक्का मारा, मैंने कहा बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। पता नहीं वीरेंद्र, आपके जमाने में स्लेजिंग होती थी? आपको लगता है मैं स्लेजिंग कर सकता हूँ? नहीं, मगर कभी तो कुछ हुआ होगा। आई रिमेम्बर वंस समबडी वाज सेइंग समथिंग, यू वर बैटिंग विद सचिन। हम लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे, शोएब अख्तर बोल डाल रहा था, तो मुझे देख के इतना बोर हो चुका था कि मैं करीब करीब 200 पे खेल रहा था और वो थक चुका था मुझे देख देख के। तो उसने सोचा शायद मैं इसको गालियां वाले दूं और ये आउट हो जाए, तो राउंड द विकेट आके उसने बाउंस रे मारनी स्टार्ट की। और शोएब अख्तर ने, शोएब अख्तर एक ही अख्तर है, एक ही अख्तर है, तो उसने बाउंस रे मारनी स्टार्ट की और हर बॉल के बाद बोले हुक मार के दिखा, हुक मार के दिखा। तो एक ओवर के बाद जब मुझे रिलाइज हुआ कि इसने यही बॉलिंग डालनी है, तो मैंने बोला वो तेरा बाप खड़ा है नॉन स्ट्राइक एंड पे, उसको बोल वो मार के दिखाएगा। नॉन स्ट्राइक एंड पे तेंदुलकर था। नेक्स्ट ओवर में जब उसने तेंदुलकर को बाउंस रन मारा तो उसने छक्का मारा, मैंने कहा बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। पता नहीं।